मुझे खुद अच्छा लगता है और कोई ये शेर मुझे खुद अच्छा लगता है और कोई मुशायरा हो या कोई भी महफिल हो, मैं अगर वहाँ निजामत करता हूँ तो ये शेर मैं जरूर पढ़ता हूँ। अब आपको कितना अच्छा लगता है ये पढ़ने के बाद मालूम होगा। जंजीर हिलती रही दर बोलता रहा, जंजीर हिलती रही दर बोलता रहा, लौटे लौटे मैं से आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक पूरा मजमा नहीं होगा। जंजीर हिलती रही दर बोलता रहा, लौटे 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 तो मैं हानि का घर बोलता रहा। और गए हुजूर सरे अर्श बार बार, गए हुजूर सरे अर्श बार बार, सिदरा पे जिब्राइल का पर डोलता रहा, सिदरा पे जिब्राइल का पर डोलता रहा। और ये देखकर ये देखकर ये देखकर दंग रह गए यजीद के सिपाह, ये देखकर दंग रह गए यजीद के सिपाह, नेज़े पर जब हुसैन का सर बोलता रहा। मुझे और खुशी होती है अगर मजमे से कोई उठता तो ये तो कमेटी वाले लोग हैं, अपना जलसा कामयाब करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बार बार आ जा सकते हैं। खुशी होती कि शेर मकबूल हो गया है जब आप में से कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी, मैं उर्दू बोल रहा हूँ ना, बात जहन में दोबारा पेश कर रहा हूँ शेर को जी। मुझे महसूस होना चाहिए कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में पढ़ रहा हूँ। जंजीर हिलती रही दर दर बोलता रहा, जंजीर हिलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। जंजीर हिलती रही, जंजीर हिलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। और गए हुजूर सरे अर्श बार बार, गए हुजूर सरे अर्श बार बार, सिदरा पे जिब्राइल का पर डोलता रहा। और ये देखकर दंग रह गए, ये देखकर दंग रह गए यजीद के सिपाह, नेज़े पर जब हुसैन का सर बोलता रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अज़मत ए हुसैन, नारे तकबीर। हज़रात ए गिरामी, बिरादरी वालों ने लाज रख ली। अरे बाबा, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। छोड़ी थी हज़रात ए गिरामी, मैं सिर्फ एक माहौल बनाना चाह रहा। अरे बाबा, बहुत अच्छा। और आपकी इजाजत होगा हजरत की मौजूदगी में एक शेर और हाथ उठा के बताइए कितना लोग सुन। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। इन उठे हुए हाथों को बोला सलामत रखे, कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता। सुनिए और लेकर के जाइएगा इस शेर को, कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता। वाह 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 सुभान, शरीक हो जाए सब लोग मोहब्बत से कहें। नाजिम भी तो गए कल्ब में, कल्ब में। ये कमेटी के लोग बड़ी मशक्कत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिदायान इमाम अहमद रजा कमेटी के हमारे तमामी नौजवान, इमाम अहमद रजा कमेटी के तमामी नौजवान, फैजान गरीब नवाज कमेटी के नौजवान, ये मशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज का ये इजलास और इस इजलास की तकारीर और नातिया शायरी हमको पैगाम दे रही है कि जिस तरह से ये अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के दीन के लिए हम तन गोश होकर के इनके जिस्मों को देखिए, फिर इनके हालात को देखिए, फिर इनके चेहरों को देखिए, इनकी जिस्मों में उतनी ताकत नहीं है जितना ये बदल उठा लिया। कल्ब में जज्बा ईमान कहां से आता। या रसूल अल्लाह आप ना आते तो कुरान कल्ब में जज्बा ईमान कहां से आता।
جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ یا رسول اللہ آپ نہ آتے تو قرآن کہاں سے آتا؟ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، یہ اعلان کہاں سے آتا؟ اور پھر بت قدوں میں وہ طوفان کہاں سے آتا؟ اور تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تو نہ آتا تو رمضان چاہیے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بایا کمزور ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، یہ بازو مضبوط نظر آ رہا ہے، کیا بات ہے، لیکن بایا کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ میں پڑھ رہا ہوں، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ یا رسول اللہ آپ نہ آتے۔ اب جس شعر کو پڑھنے کے لیے میں نے یہ پڑھا ہے، وہ شعر ابھی میں نے پڑھا نہیں ہے، جی جی، میں بائیں بازو کی طاقت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ یا رسول اللہ آپ نہ آتے تو قرآن کہاں سے آتا؟ خدا ایک ہے، یہ اعلان کہاں سے آتا؟ پھر بت قدوں میں وہ طوفان کہاں سے آتا؟ اور تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تو نہ آتا تو رمضان کہاں سے آتا؟ اور یہ تو احسان ہے خواجہ ہند کا، یہ تو احسان ہے۔ جتنے غریب نواز کے دیوانے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے کہیں یا غریب نواز، یا غریب نواز، یہ تو احسان ہے غریب نواز کا لوگو، یہ تو احسان ہے غریب نواز کا لوگو، ورنہ بھارت میں مسلمان جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ اور یہ تو احسان ہے خواجہ ہند کا لوگو، یہ تو احسان ہے خواجہ ہند کا لوگو، ورنہ بھارت میں مسلمان، بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا؟ حضرات وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے جتنی دیر میں بول گیا، اور میں معذرت طلب کرتا ہوں حضرت علامہ مفتی نعیم صاحب اللہ مدہ ذلہ العالی و نورانی تشریف فرما ہے کہ میں کافی وقت لے گیا بہرے کے۔ اب آئیے حضرات گرامی، میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ حضرت